गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजवंशी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बहुत ज़बरदस्त वीडियो। आज का वीडियो का जो मेन हमारा टॉपिक है वो है चमत्कार कैसे होते हैं। हमारे जीवन में फ्रेंड्स चमत्कार होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं चमत्कार, जब हम ये मान लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर कि ये चीज़ हमारे जीवन में होने ही वाली है। जब हम इस चीज़ को सच मान लेते हैं, पूरा विश्वास और कॉन्फिडेंस कर लेते हैं, हमारा मन, हमारा रोम रोम, हमारा एक एक कोशिका जब इस चीज़ को स्वीकार करती है कि यस हमारे साथ ये चमत्कार होने वाला है, ये बात होने वाली है, तो वो चीज़ धीरे धीरे करके क्या होता है, उसी तरह की एनर्जी हमारे शरीर की बढ़नी शुरू हो जाती है। उसी तरह की जो चीज़ें हैं, उसी तरह की जो घटनाएं हैं जो उस चीज़ को सही करने वाली हैं, सच करने वाली हैं, वो धीरे धीरे करके हमारी तरफ आना शुरू हो जाती हैं, या हम उन लोगों से कनेक्ट होने लगते हैं और वो चीज़ें गति देना शुरू हो जाती है, वो चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं, वो योजना जो हमारे मन में हमने पूरी शिद्दत से सोच रखी है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है। जैसे कि दो तरह के इफेक्ट होते हैं हमारे माइंड में, एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, कई बार आपने देखा होगा एक व्यक्ति को एक बीमारी है और डॉक्टर ने एक दवा लिख दी, वो एक्चुअली दवाई नहीं होती है, केवल एक उस पेशेंट को एक विश्वास दिलाने के लिए कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और इन्होंने मुझे ये दवा दी है, इस दवा को मैं खा के ठीक हो जाऊंगा, केवल उस पेशेंट के भरोसे को बनाकर रखने के लिए वो दवाई दी जाती है, वो पेशेंट उस दवाई को खाता है और ठीक हो जाता है। तो वो एक्चुअल में दवाई नहीं होती है, वो प्लेसिबो होती है। प्लेसिबो मतलब केवल दिखाने के लिए दवाई होती है, कोई न्यूट्रिशन कोई मल्टीविटामिन होता है, उसका उस बीमारी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, लेकिन उस पेशेंट का, उस मरीज का वो इतना विश्वास एक बहुत मजबूत होता है कि डॉक्टर साहब ने मुझे कोई दवाई दी है, ये डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे, ये दवाई मेरे को ठीक कर देगी, और उस तरह से वो पेशेंट, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। कई बार कई लोगों को आपने सुना होगा, किसी ने ऐसा सोच लिया कि वो फला एक स्थान है, अमुक एक स्थान है, वहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ पर मेरे ईश्वर हैं, देवता हैं, भगवान हैं जिनको वो मानते हैं, और वहाँ पर या कोई देवता हैं, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जाते हैं और धीरे धीरे करके उनको एक सकारात्मक, उनके शरीर के अंदर सुधार होना शुरू हो जाता है, और क्योंकि उनको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और धीरे धीरे करके उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है और वो ठीक हो जाते हैं। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। उसी प्रकार से हमारे मन में अगर इस तरह का विश्वास है, अरे इससे कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब कहने सुनने की बातें हैं, तो उसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। उसमें फिर क्या होता है, अगर हमारे मन ने वो बात को नहीं माना है तो वो चीज़ फिर पूरी नहीं होती है, ऊर्जा का स्तर वहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है, और वो जो चमत्कार जो हमारे जीवन में होना है वो नहीं होता है, जिसको हम चमत्कार बोलते हैं। हमारा मन जिस चीज को मान लेता है वो चीज हमारे जीवन में पूरी होने लगती है। इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति है, अगर वो ये मानता है मैं धनवान होने जा रहा हूं, मेरे जीवन में पैसा आकर्षित हो रहा है, मैं अमीर बन सकता हूं, तो जो भी चीजें हैं वो हमारे अंदर हैं, अभी हैं, हर चीज हमारे अंदर मौजूद है, हर शक्ति, हर ताकत, कुछ भी काम करने की पावर हमारे अंदर मौजूद होती है। लेकिन जब हमने ये मान लिया कि हम गरीब हैं, गरीब रहेंगे, परेशानियों में, दिक्कत में है, क्या होता है, हमारी एनर्जी हमारी डाउन रहती है, और हमने इसको सच मान लिया है तो हमारे जीवन में वैसी ही चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ये मान लेते हैं हम अमीर बनने के लिए जीवन में आए हैं, ईश्वर ने हमें अमीर बनने के लिए भेजा है, हर चीज़ इस दुनिया में मौजूद है और हम अमीर बन के दिखाएंगे, अमीर बनना हमारा जन्म से अधिकार है, तो हम धीरे धीरे करके हम अमीर बनना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा टीवी है, टीवी की फ्रिक्वेंसी होती है, टीवी की फ्रिक्वेंसी, जब आप टीवी का कोई चैनल जब आप लगाते हैं, जैसे आपने आज तक लगाया या आपने कोई दूसरा चैनल वहाँ पे फ्रिक्वेंसी, आपको उसी फ्रिक्वेंसी पे वो चैनल को सेट करते हैं, वो चैनल कनेक्ट हो जाता है। वैसे ही आपको आप कोई गाना सुनना चाहते हैं तो आपने वही चैनल, वही गाने वाला जो रेडियो स्टेशन था, तो आपने वो उसको ट्यून किया तो मालूम पड़ा वहीं पे वो गाने आने शुरू हो गए। उसी तरीके से हमारे माइंड के अंदर भी हम जिस तरह की सोच हम रखते हैं वैसी घटनाएं, वैसी चीज़ें ये ब्रह्मांड हमारी तरफ वैसे हमारे साथ में घटित करना शुरू कर देता है। जैसे अगर हम पैसे के मामले में अगर हम देखते हैं, तो हमने अगर सोचा कि हम 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं, आप समझिए, तो हम जब 1 लाख रुपए महीने कमाना हम कमा सकते हैं, जब आपको ये विश्वास होता है, या आपने सोचा मैं 10 लाख रुपए महीने कमाना चाहता हूं, या मुझे कमाना है, मुझे 1 करोड़ कमाना है, मुझे 10 करोड़ कमाना है, तो जितना आप इनकम करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो उसी लेवल पे ये ब्रह्मांड जो है, ये इसके अंदर एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। तो जिस तरह की सोच हम रखते हैं,
जितने बड़ी हम सोच रखते हैं या छोटी सोच रखते हैं, जिस लेवल की हम सोच रखते हैं, ब्रह्मांड सोचता है हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो वैसी ही एनर्जी के लोग, वैसी एनर्जी की चीज़ें हमारी तरफ आकर्षित वो करने लगता है, हमारी तरफ भेजने लगता है, वो ऑटोमेटिक उन चीज़ों को हमारी तरफ भेजने लगता है कि जिस लेवल की हमारी एनर्जी है, जो हम मन में विश्वास कर चुके हैं, जो पूरा हमने जिस चीज़ पर भरोसा कर लिया है, वो चीज़ हमारे सामने प्रकट हो जाए। तो ये काम ब्रह्मांड हमारे साथ करता है। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति दारू पीता है, अब उसके पास पैसे नहीं है और वो एकदम भयंकर रूप से ऐसी स्थिति है कि उसको दारू आज मिलने वाली नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स शाम होते होते आप देखेंगे वो दारू में दुत मिलेगा आपको, वो दारू की व्यवस्था कहीं ना कहीं से कर लेगा, चाहे वो कुछ भी करे, उसके पास एक रुपया नहीं है, और अगर उसने ये सोच रखा है मुझे डेली दारू पीनी है, रोज दारू पीनी है, चाहे उस पर एक रुपया नहीं है, एक चवन्नी नहीं है, एक ढेला नहीं है उसके पास, लेकिन हर बार उसको दारू मिल ही जाएगी डेली। तो एक नेगेटिव एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी पॉजिटिव एग्जाम्पल है। अगर किसी व्यक्ति ने पूरी शिद्दत से सोच लिया है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, उसने कहा कि मुझे ये चीज़ करनी है मुझे जीवन में, तो उसके साथ वो होने लगेगी, चाहे घटनाएं कुछ भी हो, पैसा उसके पास हो या पैसा ना हो, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेगा। उसी प्रकार से जब आप किसी भी इनकम के बारे में सोचते हैं, तो ब्रह्मांड आपको उसी तरह के लोग जो आपको 1,00,000 रुपये महीने देने वाले हैं, जिनकी मदद से उस तरह की योजनाएं, उस तरह के लोग, उस तरह के प्लान आपके पास आने लगेंगे, उस तरह के काम आपके आप आने लगेंगे आपकी तरफ कि आप उस चीज़ को प्राप्त कर लें। तो ये काम ये ब्रह्मांड करके देगा, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई हो गई। अब यहाँ पर भी एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी जब आपकी रहती है, जैसे क्रोध आ रहा है, क्रोध आना एक नेगेटिव एनर्जी है, टेंशन एक नेगेटिव एनर्जी है, एक फिक्र करना एक नेगेटिव एनर्जी है, हर वक्त गरीबी की बातें करना ये एक नेगेटिव एनर्जी है, फालतू की चर्चा करना ये एक नेगेटिव एनर्जी है, चिड़चिड़ापन गुस्सा, ये छोटी सोच रखना ये नकारात्मक ऊर्जा है, इसमें एनर्जी कम रहती है। तो जब वहाँ पे ये इस तरह की एनर्जी रहती है कहीं भी, तो उसके रिजल्ट भी निगेटिव ही आते हैं। तो वहाँ पे क्या है, गरीबी, दिक्कतें, परेशानियाँ, समस्याएँ ये रहती हैं। लेकिन जहाँ पे एनर्जी हाई होती है, हाई एनर्जी कहाँ होती है, जहाँ पे व्यक्ति एक सकारात्मक बात सोच रहा है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, किसी की हेल्प के बारे में सोच रहा है, जहाँ उत्साह है, जहाँ जोश है, जहाँ पे मस्ती है, जहाँ आनंद है, जहाँ पे काम करने के लिए एक लक्ष्य है, जहाँ पे उसने कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, वहाँ एनर्जी बढ़ जाती है, वहाँ पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो जहाँ पॉजिटिविटी बढ़ती है वहीं पे एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। जब एनर्जी हाई होती है, उसी हाई एनर्जी के लोग आपकी तरफ आने लगते हैं और आपको बड़े बड़े रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है जैसे सरस्वती होती है, और एक होती है एक दुर्गा होती है, और एक होती है लक्ष्मी जी, जैसे तीन देवी हैं। तो सरस्वती जो है वो क्या है, वो सोच है हमारी, वो एजुकेशन है, नॉलेज है। तो जब हमें अगर हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, यानी कि हमें लक्ष्मी जी को आकर्षित करना है, तो हमें कहाँ से जाना पड़ेगा, हमें नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी अपनी, वो नॉलेज लेनी पड़ेगी जो नॉलेज हमें वहाँ तक उस इनकम तक पहुँचेगी जिस इनकम को हम लेना चाहते हैं, जहाँ बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं उससे संबंधित हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी, वो ज्ञान हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, उस लायक हमें बनना होगा। जब उस लायक बन जाएंगे तो फिर हमारे अंदर आएगी ऊर्जा, एनर्जी, जिसको हमने अभी क्या बोला, हमने बोला अभी दुर्गा, दुर्गा मीन्स पावर, एनर्जी, ताकत। तो वो हमारे अंदर आती है, वो एनर्जी का लेवल हमारा हाई हो जाता है। जब एनर्जी का लेवल हमारा हाई हो जाता है, ऊर्जा का लेवल हाई हो जाता है, कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो जाता है, तो तीसरी चीज आती है लक्ष्मी। लक्ष्मी मीन्स अचीवमेंट्स, आप बढ़ने लगते हैं, आपके जीवन में इनकम आने लगती है। तो ये एक स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब बात आती है आपको करना है चमत्कार अपने जीवन में। तो चमत्कार क्या करना है, आपको उसी लेवल पर काम करना है जिस लेवल पर आप जाना चाहते हैं, उस पूरी शिद्दत के साथ काम करना है, और वही करना है जो आप करना चाहते हैं, वही सोचना है जो आप पाना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों के आसपास आपको रहना है, ऐसे ही वीडियो देखने हैं, ऐसे ही पिक्चर्स देखनी है, ऐसी ही बातें करनी है जो रिजल्ट्स आपको चाहिए, जिस लेवल पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो क्या होगा, जो ऑर्डर धीरे धीरे करके जो ब्रह्मांड है इसको पता चलेगा हम इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, तो वो इन चीज़ों को वही ऑर्डर मान लेगा, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उन्हीं बातों को वो ऑर्डर मान लेगा, और धीरे धीरे करके हमारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। अगर वो इनकम को लेके है तो हमारी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, जितनी इनकम हमने चाहिए उस इनकम पर पहुंच जाएंगे। अगर वो हेल्थ को लेके है तो हमारे स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा, और हमारा स्वास्थ्य जैसा हम चाहते हैं वैसा स्वास्थ्य हमारा बनने लगेगा, और हम उस चीज़ से बाहर हो जाएंगे जिससे हम परेशान हैं, जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उस चीज़ को हम प्राप्त कर लेंगे। और ये काम करते हुए ध्यान रखना है,
आपको किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं रखना है, पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास रखना है कि यस ये काम होने ही वाला है, ये ईश्वर हमारे साथ हैं, ये पूरी जितने भी शक्तियां हैं वो सब हमारे साथ हैं, पूरा ब्रह्मांड हमें सपोर्ट कर रहा है, और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी पावर के साथ में आपको उस चीज पे लगे रहना है, उस चीज के लिए मेहनत करनी है आपको, और जिस तरह से और उसी तरह की सोच आपको रखनी है, उसी तरह के आपको कपड़े भी आपको उस तरह के पहनने हैं जिस तरह के व्यक्ति आप बनना चाहते हैं, जो आप काम करना चाहते हैं। तो आज जब आप पूरी शिद्दत से वो काम करेंगे, नो डाउट, क्योंकि कहा जाता है अगर 1% भी डाउट आपके मन में है किसी भी उस चीज को लेके, तो 100% आप उस चीज से बाहर हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि कहा जाता है बहुत बड़ा जहाज है, अगर वो जहाज पानी में कब तक तैर रहा है, जब तक वो एकदम उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, अगर उस बहुत बड़े जहाज के अंदर अगर जरा सा भी छेद हो जाता है तो वो जहाज आज नहीं तो कल आप देखते हैं वो एक ना एक दिन वो डूब जाता है। तो वो छेद क्या है, वो डाउट्स हैं। तो जब हम किसी भी लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, कुछ भी हम करने जा रहे हैं, वहां पे आपको पूरा 100% कॉन्फिडेंस, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में आपको उसमें आगे बढ़ना है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि वहां पे आपको इन स्टेप्स को ध्यान रखना है जो हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। नंबर एक है बर्निंग डिजायर, जो डिजायर आपने बनाई है वो बर्निंग डिजायर आपको बनानी है, ज्वलंत इच्छा वही पूरी होती है जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है। दूसरा होप या आशा, आपको पूरा होप, पूरा पूरा फेथ रखना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, ब्रह्मांड पर विश्वास करना है, अपने ईश्वर पर विश्वास करना है, और बाकी जो आपकी योजना है जिसके द्वारा आप पहुंचने वाले हैं उस पर भी आपको पूरा विश्वास आपको रखना है, यस मेरे ये काम हो ही जाएगा। और पूरा आपको क्लियरिटी के साथ में जो योजना है, जो स्टेप्स हैं, वो पूरा क्लियरिटी के साथ में आपको उनकी तरफ आगे बढ़ना है, किनके लोगों से आपको जुड़ना है उसके द्वारा, वो पूरा क्लियर आपको रखना है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपकी क्लियर रहे, और बिल्कुल भी जैसे मैंने आपको बताया 100% कॉन्फिडेंस, जीरो डाउट, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रखना किसी भी तरह का, कि पूरा यही रखना है कि यस मैं करके मानूंगा, यस मैं कर ही दूंगा, 100% मैं ये काम करके मानूंगा। और इस तरह से जब आप सोचेंगे, जब इस तरह से आप करेंगे, पूरी ताकत पूरी एनर्जी के साथ आप लगेंगे, पूरा ब्रह्मांड आपको हर तरह से मदद के लिए तैयार हो जाएगा, और आप देखेंगे चमत्कार आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग।